फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी जगह पे, यहीं पे अटक गया। इतना बड़ा स्नो बॉल बनाया था हमने, इतनी ज्यादा स्नो देख के तो मैं तो पागल हो गया। कौन मिल रहा है यहाँ पे यार, पीछे चेक करो यार, क्या खतरनाक वाली खाई है। यहाँ से निकल गया ना कोई, ये देखो बस इतना सा इंच का फर्क है इधर। ओ भाई भाई भाई, बड़ा खतरनाक रास्ता है यार। ओह और स्लिप हो रहा है यार, पता नहीं कहाँ गिर जाऊंगा मैं। लेके स्नो पे आज खतरनाक वाली राइड करते हैं, ये आसान नहीं है और हमारा बोले तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार ये। पहले मैं सोच रहा था कि हमारे पास एक 100cc की बाइक थी उसको लेके आ जाऊं। वेलकम बैक टू माय चैनल, तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू यार इतना प्यार देने के लिए। देख सकते हो मेरे पीछे आप, एकदम स्नो स्नो है। तो अभी हम आए हैं एक ऐसी जगह पे, देखो गाइस पूरी बर्फ ही बर्फ है इधर। तो एरोक्स को कुछ ऐसे रास्ते पे लेके आया हूँ मैं स्नो में राइड करने, क्योंकि मेरे को क्या है यार, मेरे को ना स्नो पे राइड करना था, क्योंकि स्नो पे राइड करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और अभी तक तो मैंने कोई ऐसी स्नो पे राइड नहीं की हुई है। तो पहले तो मैं बाइक लेने वाला था, बाइक लेके आने वाला था, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना एरोक्स को ही ले लिया जाए, क्योंकि एरोक्स पे बहुत कम लोग जो हैं स्नो पे गए हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका हाल अभी मैंने क्या कर दिया हुआ है पूरा। निकलते हैं अपनी राइड पे जो हम स्नो पे राइड करने वाले। तो आप देख सकते हो, देखो ऐसी यहाँ पे रोड पे भी ऐसी ऐसी बर्फ है, तो ऐसी बर्फ वाली रोड पे हमने अभी लेके जाना है इसको। तो चलते हैं आगे, देखते हैं गाइस कैसा मजा आता है। वो देखो पूरी स्नो स्नो है, पूरी आगे तक स्नो है यार, इस पूरे रास्ते में स्नो ही स्नो है। ओ भाई भाई भाई, बड़ा खतरनाक रास्ता है यार। ओह फिर से गिरने लग पड़े और स्लिप हो रहा है यार, पता नहीं कहाँ गिर जाऊंगा मैं। और इसके टायर बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे हैं यार, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हम कहाँ कौन सी जगह पे जाने वाले हैं आज। तो मैं चाहता हूँ कि यार सेफली पहुँच जाए हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। आपको पता ही यार स्नो में ना स्लिप बहुत ज़्यादा होता है, तो स्नो चेन वगैरह का यूज़ किया जाता है तभी जाके स्नो पे आप राइड कर सकते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी स्लिप हो जाती है। अगर बहुत हैवी गाड़ी हो तो स्लिप नहीं होगी, तो इस वजह से इसमें यार थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली आज स्लिप वगैरह की। तो अपनी एरोक्स को लेकर स्नो पे आज खतरनाक वाली राइड करते हैं, ये आसान नहीं है और हमारा बोले तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार ये। पहले मैं सोच रहा था कि हमारे पास एक 100cc की बाइक थी उसको लेके आ जाऊं, तो उस पर तो मुझे लगता है थोड़ा आसान रहता राइड करना। यहाँ पे ऐसी सड़क में आप देख सकते हो पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, नीचे इधर पूरा पीछे आगे पूरा बर्फ ही बर्फ है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे प्लेन रास्ता है ही नहीं, ना मिट्टी है, कीचड़ भी नहीं है, पूरी स्नो है। तो इस पे हम एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहती है एरोक्स की। वीडियो में बने रहना, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त जगह पे, वो आपको आगे पता चल जाएगा इस वीडियो में कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं। यार इसमें खतरनाक स्लिप लग रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसके टायर की हो रही है यार। ये ना एक तो मुझे लग रहा है कि घिसने वाला है अभी, तो पहले ही बहुत ज्यादा स्लिप मार रहा है ये, और ऊपर से मैं भैया को भी लेके आया हूँ, हम दो लोग हैं, ज्यादा वेट हो जाता है, तो जब ये टेढ़ी हो जाती है बहुत ज्यादा स्लिप करने लग जाती है। तो चलो देखते हैं यार आज कैसा मजा आता है, कैसा रहता आज का दिन। कैसे पहुंचेंगे, गिरेंगे कहीं आज रास्ते में यार, अभी तो बड़ी दूर जाना था, ये तो इतनी स्लिप मारने लगी, कैसे लेके जाएं यार बर्फ में इसको। फुल स्नो में यार चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, ये आसान नहीं है और हमारा बोले तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार ये। और हमारी एरोक्स तो अभी तक बहुत सही चल रही है यार, अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। ओहो चल जा चल जा चल जा, अरे यार पता नहीं कहाँ गिरने हैं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एडवेंचर। ओ गिर गई, गिर बाई चांस गिर गई तो गिर गई, फिर क्या ही कर सकते हैं। ओ भाई ये देखो जमीन के अंदर ही धस रहे हैं, पैर के अंदर ही फंस जाएंगे हम, रेस्क्यू करने भी नहीं आएगा कोई। वैसे यहाँ पे ऐसे पैर रख रहे हैं ना, ये देखो पूरा अंदर ही जा रहा है सीधा इधर। और ये देखो यार क्या बर्फ है, इस पे ना जंप मारने का मन कर रहा है मेरे को भाई, इस पे लेटने का मन कर रहा है यार, सीधे खड़े ही नहीं हुआ जा रहा है। ये लो जो है ना एक चैलेंज करने वाले कि 24 आवर्स आपको ऐसी बर्फ में रहना है, तो बताओ आप रह सकते हो क्या ऐसे 24 आवर्स। यार क्या व्यू है यार, वाह क्या मस्त व्यू है। और ये देखो यहाँ से हम क्रॉस होके यहाँ पे बैठे हैं अभी, ये देख लो गाइस क्या हाल है यहाँ का।
ओहो, पूरी खतरनाक रोड है यार। तो यहाँ से अभी एरोक्स को निकालना है हमने। बर्फ़ वाली रोड से तो निकल के आ गए हम। अभी यहाँ पे कीचड़, और ये देखो खाई, देखो इधर चेक करो यार, क्या खतरनाक वाली खाई है। यहाँ से निकल गया ना कोई, ये देखो बस इतना सा इंच का फ़र्क है इधर। अभी तो हम ऐसी जगह पे ही जा रहे हैं यार जो थोड़ी डेंजरस सी हो, एडवेंचर हो जहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा देखने। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है गाइस, खतरनाक है भाई। ये देखो पीछे क्या हाल है, निकल पाएंगे क्या इधर से हम? बीच में ऐसे साफ वाला जो रास्ता आ रहा है ना, वहाँ पे हम फुल भगा रहे। लेकिन यार ये खुशियाँ हमारी कुछ ही टाइम की हैं, आगे फिर खतरनाक रास्ता आने वाला है। तो एडवेंचर किसे कहते हैं यार, यही एडवेंचर। देख लो, जिसको एडवेंचर करना है तो करो भाई ये सब। ओ ओ ओ ओ, 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 ओ स्लाइड हो रहा था, बिल्कुल बच गए यार। व्यू भी एंजॉय करो यार, क्या व्यू है। रोड का बहुत ही बुरा हाल है, तो बीच रास्ते में हम रुक गए और यहाँ से हम ट्रैक करके जा रहे हैं ऊपर। अभी चल के देखते हो। इतनी ट्रैकिंग कर करके फाइनली हम पहुँच ही गए हैं जहाँ पे हमने आना था, लेकिन यार हालत खराब हो गई है, टोटली एग्जॉस्ट। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी जगह पे। ये देखो एकदम स्नो ही स्नो है यार यहाँ पे, पूरा व्हाइट। ये देखो चारों तरफ व्हाइट है यार। तो ऐसी जगह आपने देखी होगी पहले, इतनी स्नो है ना यहाँ पे। इस वाली साइड देखो, पूरी स्नो ही स्नो है यार। आप ये देखो यार क्या व्यू है, लेकिन क्या सुकून है इधर। और इतनी दूर आए ना हम चढ़ के, ये वर्थ है यार यहाँ पे आने की, जो मेहनत लगी हमारी आज। और सामने से सूरज की धूप आ रही है एकदम, और अभी यहाँ पे मौसम भी अच्छा है, सर्दी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैरों में सर्दी लग रही है यार। तो देखो हमने हैक ढूंढा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे ना ऐसी स्नो ही स्नो। तो हमने ये बेंच देख लिया है कि जो पूरा सूखा हुआ है, तो इस पे हम आराम से बैठ सकते हैं ठंड के बिना, ठंड से बचने के लिए। नहीं तो यार इतनी ठंड है यहाँ पे, और पैरों में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो मैं तो ऐसे ही निकल आया यार, मैंने शूज प्रॉपर नहीं डाले हुए थे, स्नीकर्स डाल के आ गया। तो अगर आप कभी भी ऐसी जगह पे आओ तो शूज हमेशा ध्यान से लगा के आओ, अच्छे से शूज लगाओ जो स्नो में काम आते। और ये देखो आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा मैं, यार मैं गिर ना जाऊँ इधर से। ये देखो ये जो है ना, ये पूरा, ये देखो ये इतना पानी है यहाँ पे, और पूरा जम गया है पानी के ऊपर, देखो पूरा जम गया। और ये ऐसा श्रीनगर में देखने को मिलता है यार, पूरा प्लेन हो गया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सोचो आप, क्या टेम्परेचर होगा कि इतनी ठंड है इधर कि पूरा पानी के ऊपर से पूरा जम चुका है। तो सोचो आप यार कितनी ठंड होगी यहाँ पे। तो यार यहाँ आके तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपने देखा वीडियो में कि हम कैसे कैसे रास्तों से चल के आए, इतनी ज़्यादा स्नो थी यार कि बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया हमने, पूरा स्लिप मार रही थी वहाँ पे, और बहुत मेहनत लगी यार यहाँ पे आने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ आके मज़ा आ रहा है। हाँ 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 गाइस, इतनी ज़्यादा स्नो देख के तो मैं तो पागल हो गया हूँ यार, मैं चल ही जा रहा हूँ इसमें। ये देखो चल चल के ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसा वाइट मिलेगा आपको हर जगह। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है यार, मैंने जो शूज नॉर्मल वाले डाले हुए ना, स्नीकर डाल के आ गया हूँ यार मैं, इसमें दिक्कत आती है। अच्छे से शूज डाल के आओ फिर एंजॉय करो। बस बाय, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना भाई।